आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने पार्ट टू विच इज एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स और इसमें भी हमने चैप्टर वन न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड को समझा। पार्ट टू बेसिकली एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स के बारे में बात करता है, राइट। और इसमें दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर वन न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड और दूसरा जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड। अपने पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 44 को डिस्कस किया। हमने समझा कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत फॉरेन अवार्ड क्या है, यानी आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन अवार्ड अंडर न्यूयॉर्क कन्वेंशन। तो वैसे केसेस में आपको सेक्शन 44 रेफर करना होगा। और पार्ट टू में ही जो चैप्टर टू है वो बेसिकली जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड से डील करता है, विच मीन्स इफ देयर इज फॉरेन अवार्ड तो उस फॉरेन अवार्ड का एनफोर्समेंट, उस फॉरेन अवार्ड का एप्लीकेशन पार्ट टू के तहत कराया जाएगा। और इन दोनों कन्वेंशन के तहत कराया जाएगा, न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन। इन दोनों ही कन्वेंशन में जो फॉरेन अवार्ड का डेफिनेशन है वो लगभग सेम है, देयर इज ओनली माइनर डिफरेंसेस। और फॉरेन अवार्ड का एप्लीकेशन कैसे होगा, फॉरेन अवार्ड को किस तरह से एनफोर्स कराया जाएगा, क्या क्या कंडीशंस होंगे, वो सभी कंडीशंस भी लगभग सेम ही हैं, राइट। तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन के बेसिस पर फॉरेन अवार्ड क्या है अंडर सेक्शन 44 हमने डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम जिनेवा कन्वेंशन के बेसिस पर फॉरेन अवार्ड को डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसके जो सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 53 से लेकर के सेक्शन 60। और न्यूयॉर्क कन्वेंशन के जो सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 44 टू 52, राइट। चलिए, तो सेक्शन 53 विच इज इंटरप्रिटेशन, रिगार्डिंग फॉरेन अवार्ड, इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग फॉरेन अवार्ड, यानी इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में फॉरेन अवार्ड के मीनिंग को इंटरप्रेट किया गया है अंडर सेक्शन 53। एग्जैक्ट डेफिनेशन हैज नॉट बीन गिवन अंडर जेनेवा कन्वेंशन लाइक न्यूयॉर्क कन्वेंशन। तो सेक्शन 53 क्या कहता है, इफ देयर इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मेड आफ्टर 28 जुलाई 1924। फर्स्ट पॉइंट, अगर पार्टीज के बीच आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट 28 जुलाई 1924 के बाद की गई है, इफ देयर इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड दैट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट टुक प्लेस आफ्टर
28 July 1924, पहला पॉइंट। दूसरा, डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ कॉमर्शियल रिलेशनशिप, और जो डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच वो बिकॉज ऑफ कमर्शियल रिलेशनशिप है। देखो यही पॉइंट हमने सेक्शन 44 न्यूयॉर्क कन्वेंशन में भी डिस्कस किया था कि डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन पार्टीज बिकॉज ऑफ कमर्शियल रिलेशनशिप, राइट। तीसरा पॉइंट, अवार्ड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अबव कंडीशंस, अवार्ड इन दो कंडीशंस के बेसिस पर दिया गया है, यानी पार्टीज के बीच आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था 28 जुलाई 1924 के बाद, और उनके बीच जो डिस्प्यूट अराइज हुआ था वो कमर्शियल रिलेशनशिप के वजह से अराइज हुआ था, इन दोनों ही कंडीशंस के बेसिस पर अवार्ड दिया गया है। अवार्ड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अबव टू कंडीशंस, इन दोनों ही कंडीशंस के बेसिस पर अवार्ड दिया गया है। कहाँ दिया गया है? तो फोर्थ पॉइंट कहता है, इन अ कंट्री विच इज, जो कि क्या है, विच इज, तो वही फर्स्ट पॉइंट, सिग्नेटरी टू जिनेवा कन्वेंशन, उस कंट्री में दिया गया है अवार्ड इन दोनों कंडीशंस के बेसिस पर जो कंट्री जिनेवा कन्वेंशन की सिग्नेटरी है। और दूसरा, कंट्री डिक्लेयर्ड एज रेसिप्रोकेटिंग कंट्री बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट, डिक्लेयर्ड एज रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पांचवा पॉइंट, दैट अवार्ड विल बी फॉरेन अवार्ड, तो वो जो अवार्ड होगा उसे फॉरेन अवार्ड माना जाएगा, दैट अवार्ड विल बी कंसिडर्ड एज, दैट अवार्ड विल बी कंसिडर्ड एज फॉरेन अवार्ड। और उस अवार्ड को इंडियन कोर्ट्स में एनफोर्स कराया जा सकता है, इट विल बी एनफोर्स्ड, फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट अवार्ड विल बी, इट विल बी एनफोर्स्ड बाय इंडियन कोर्ट्स। और दूसरा, वंस इंडियन कोर्ट्स डिसाइड या वंस इंडियन कोर्ट्स एनफोर्स दोज अवार्ड्स, उन फॉरेन अवार्ड्स का एनफोर्समेंट होने के बाद उन फॉरेन अवार्ड्स को कोर्ट के डिक्री के रूप में जाना जाएगा, इट विल बी डीम्ड एज डिक्री ऑफ कोर्ट। तो ये है जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड, या आप कह सकते हो फॉरेन अवार्ड्स इन द वर्ड्स ऑफ जिनेवा कन्वेंशन, राइट। और आप सेक्शन 53 को रेफर करोगे और न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड के तहत फॉरेन अवार्ड अगर पूछता है तो आप सेक्शन 44 को रेफर करोगे। अगर मेरे दोनों वीडियोस आप देखते हो तो जो माइनर डिफरेंसेस है दोनों अवार्ड्स के बीच वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉरेन अवार्ड अंडर सेक्शन 44, तो पहला कंडीशन था, इफ देयर इज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मेड ऑन और आफ्टर 20
11th अक्टूबर 1960, ठीक है, अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है पार्टीज के बीच और वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट 11 अक्टूबर 1960 के दिन हुआ है या उसके बाद हुआ है, तो ये एक डिफरेंस था और बाकी सब सेम था। डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज आउट ऑफ कमर्शियल रिलेशनशिप अवार्ड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अबव कंडीशन। अब यहाँ पे चेंज रहेगा, इन द कंट्री विच इज सिग्नेटरी टू, अगर हम सेक्शन 44 को रेफर कर रहे हैं तो विच इज सिग्नेटरी टू न्यूयॉर्क कन्वेंशन या विच इज डिक्लेयर्ड एज रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, देन दैट अवार्ड इज नोन एज फॉरेन अवार्ड, राइट। नाउ तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस हैं जिनेवा कन्वेंशन अवार्ड और न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड में, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। एनफोर्समेंट किस तरह से एनफोर्समेंट इनका होगा, एप्लीकेशन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड मे बी मेड ओनली टू हाई कोर्ट एंड पार्टीज हैव टू सबमिट। तो अगर हमें फॉरेन अवार्ड्स को एनफोर्स कराना है तो केवल और केवल हाई कोर्ट के थ्रू ही हम करा सकते हैं, यानी पार्टीज को फॉरेन अवार्ड के एनफोर्समेंट के लिए एप्लीकेशन देना होगा ओनली इन हाई कोर्ट्स, राइट। दूसरा, ओरिजिनल अवार्ड और इट्स ऑथेंटिकेटेड कॉपी शैल बी सबमिटेड बाय द पार्टीज, और एविडेंस के तौर पे पार्टीज को हाई कोर्ट में उस एप्लीकेशन के साथ साथ ओरिजिनल अवार्ड अगर है तो वो, या वो नहीं है तो कोई ऑथेंटिकेटेड कॉपी सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे। दूसरा, एविडेंस प्रूविंग दैट अवार्ड हैज बिकम फाइनल। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप सुन सुन के वीडियो पॉज करते करते लिख सकते हो, ठीक। तो पहला क्या है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय द पार्टीज बिफोर हाई कोर्ट, और दूसरा, ओरिजिनल अवार्ड और ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ अवार्ड शैल बी सबमिटेड बाय द पार्टीज, तीसरा, उन्हें ये भी एविडेंसेस पेश करना है और ये प्रूफ करना है कि जो अवार्ड मिला है वो अपने आप में फाइनल अवार्ड है, यानी कोई अपील कहीं से उस पर्टिकुलर अवार्ड को लेकर के नहीं दायर किया गया है। देयर इज नो अपील लाइज इन रिलेशन टू दैट अवार्ड, राइट। और तीसरा, evidence that award made in pursuance to submission to arbitration, और ये evidence पेश करना है कि जो foreign award है वो arbitration में जो terms and conditions थे, यानी जो dispute था, जो subject matter था जिसपे parties agree हुई थी कि इसी dispute पर उन्हें foreign award लेना है, वो जो फॉरेन अवार्ड मिला है वो उसी डिस्प्यूट पर दिया गया है। और लास्ट कहता है, आर्बिट्रल अवार्ड मेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन कॉन्फॉर्मिटी रिलेटेड टू लॉ ऑफ होम कंट्री, यानी जिस भी कंट्री में आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया था, द प्लेस ऑफ कंट्री वेयर आर्बिट्रल अवार्ड वॉज गिवन, वो कंट्री होम कंट्री कहलाएगी, और पार्टीज को ये भी एविडेंसेस देना पड़ेगा कि उस होम कंट्री में जो भी लॉज थे आर्बिट्रेशन के, उन लॉज के कन्फर्मेशन में, उन लॉज को मानते हुए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया है। तो अगर हम, यानी अगर पार्टीज
फॉरेन अवार्ड के एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देती है तो वो कोर्ट हाई कोर्ट होगा, और एप्लीकेशन देने के साथ साथ पार्टीज़ को ये सभी एविडेंसेस भी पेश करने होंगे ये कंफर्म कराने के लिए टू द कोर्ट कि जो अवार्ड है वो अपने आप में, जो फॉरेन अवार्ड है वो अपने आप में राइट है, जो फॉरेन अवार्ड है वो अपने आप में करेक्ट है, और किसी भी तरह से इस अवार्ड को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, राइट किसी प्रकार से इस अवार्ड के अगेंस्ट में कोई अपील नहीं है, अवार्ड अपने आप में कंप्लीट है, राइट तो ये है। नाउ ये तो था कि एनफोर्समेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या एविडेंसेस पार्टीज को बिफोर द कोर्ट सबमिट करना होगा। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस एनफोर्समेंट के, क्या क्या कंडीशंस हैं, किन किन कंडीशंस को अगर पार्टीज फुलफिल करती है तो वो फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स करा सकती है बिफोर द कोर्ट। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस, Now, what are the conditions for enforcement? Conditions for enforcement. Pehla, award made in relation to or within scope of submission to arbitration. Jo award diya gaya hai, wo within the scope of arbitration है, यानी वो जो award है वो basically arbitration के terms and conditions के according है जो parties के बीच तय हुआ है। दूसरा, made by arbitral tribunal in conformity with law of home country, home country के law को ध्यान में रखते हुए अवार्ड दिया गया है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, और जो सब्जेक्ट मैटर है इज कैपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन, यानी पार्टीज ने ये डिसाइड किया था पहले ही कि डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व थ्रू आर्बिट्रेशन, तो इफ दीज कंडीशंस गेट satisfied, parties may opt for enforcement of foreign awards in high court, right? Pehla, award made in relation to or within scope of submission to arbitration. Dusra, made by arbitral tribunal in conformity with law of home country. Aur teesra, subject matter of dispute is capable of arbitration. ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट, अवार्ड हैज बिकम फाइनल, अवार्ड अपने आप में फाइनल है, और जो अवार्ड दिया गया है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, राइट तो कहीं से कोई गाना बज रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए हमें अपने टॉपिक को यहीं पर रोकना होगा। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्शन टू एनफोर्समेंट बाय अदर पार्टी इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे, यानी हम समझेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर जो ऑपोजिट पार्टी है जो चाहता नहीं है कि इस फॉरेन अवार्ड को एनफोर्स कराया जाए बिफोर द हाई कोर्ट, तो उसे किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पर ऑब्जेक्शन रेज करना है, या किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पर ऑपोजिट पार्टी में रेज
ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इस वीडियो में हमने जेनेवा कन्वेंशन के तहत फॉरेन अवार्ड क्या है और फॉरेन अवार्ड का एनफोर्समेंट किस तरह से होगा, किस बेसिस पर होगा और क्या क्या कंडीशंस हैं फॉर द एनफोर्समेंट. इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करी. अगर ये एफर्ट्स आपको, तो गाना ही बंद हो गया. अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.